हेलो गाइस, आप में से बहुत लोग मुझे जानते होंगे जो मेरा व्लॉग्स देखते हैं। जो नहीं देखते उनके लिए है, मेरा नाम है अर्शनीत कौर। मैंने बीकॉम ऑनर्स कर रखा है अकाउंटेंसी एंड फाइनेंस में, और अभी के लिए मैं एमबीए करने के लिए जाऊंगी इन जून 2024। एंड मैंने कैट 2023 दिया था, कैट 2022 भी दिया था। तो इस वीडियो में मैं पूरा कैट प्रिपरेशन जर्नी के बारे में बताऊँगी अपना, मुझे क्या आया था, कितने परसेंटाइल आए थे, व्हाट वाज माय सेक्शनल परसेंटाइल, व्हाट इंटरव्यू कॉल्स डिड आई गेट, एंड मैंने कैसे प्रिपरेशन किया, एंड क्या हर्डल्स आए बीच में, एंड क्या अच्छा किया मैंने, मैं सब कुछ बताऊंगी। तो आई होप जो भी कैट 2024 के लिए आप लोग देने जा रहे हो या फर्दर एमबीए करने जा रहे हो, उन लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा ये। तो ओके, सो लेट्स स्टार्ट। मैं पहले अपना बैकग्राउंड आप लोगों को बता देती हूँ। मैंने 10th और 12th रांची से किया है विद 91% इन 10th एंड 95% इन 12th। एंड ग्रेजुएशन में मेरा कुछ खास नहीं था, आई थिंक 70% अराउंड होगा। एंड जिसकी वजह से उसमें एक्चुअली कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से बहुत बड़ा हर्डल आया कैट 2022 में मेरे लिए, तो वो भी आप लोगों को बताऊंगी मैं। तो मैंने एमबीए करने का सोचा इन नवंबर 2021 एक्चुअली, एंड इन जनवरी 2022 मैंने कोचिंग खरीदा। मैं नाम नहीं रिवील करूँगी ऑफकोर्स, बट आई ओनली अटेंडेड 1 month ऑफ द कोचिंग। मैं कोचिंग नहीं गई, मुझे नहीं जम रहा था, बिकॉज मैंने बचपन से लेकर कभी भी ट्यूशन क्लासेस नहीं ली थी, कोई कोचिंग क्लासेस नहीं ली थी। तो जो पेस होता है वो डिफरेंट होता है, टीचर्स अलग तरह ढंग से पढ़ाते हैं कोचिंग में, एंड जो आसपास के स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी पेस मैच करना होता है, तो वो सब मुझसे नहीं हो पा रहा था क्योंकि मुझे कभी आदत भी नहीं थी। मैंने बस क्लास 12th में अकाउंटेंसी के लिए कोचिंग लिया था, बट दैट डिडंट गिव मी द इनफ यू नो वर्सिटिलिटी कि मैं एक कोचिंग में पढ़ने के लिए वो हो पाऊँ। तो मैंने सेल्फ स्टडी चूज़ किया, एंड बिकॉज कैट का जो सिलेबस रहता है वो मुझे ऐसा उसमें कुछ लगा नहीं जिसके लिए मुझे स्पेशल कोचिंग की ज़रूरत पड़े, तो इसलिए भी मैंने कोचिंग नहीं लिया। जो भी मुझे डाउट्स रहते थे वो मैं यूट्यूब से, यूट्यूब पे जो है वीडियोज़ हैं, टीचर्स हैं अलग अलग चैनल्स के, उनसे रेफ़र कर लेती थी, जो कि मैं आप लोगों को अगले सब्सिक्वेंट वीडियोस में रेफ़र कर दूँगी। अगर आप चाहते हो तो कमेंट करना कि कौन कौन से चैनल से या कौन कौन से टीचर्स से मैं पढ़ती थी। बाकी ऑफ कोर्स सबके अपने पर्सनल वो होते हैं, लाइक किसी को कुछ सूट करता है तो किसी को कुछ, यूट्यूब पे तो लैक्स एंड मिलियंस ऑफ वीडियोस अवेलेबल हैं, तो आप वो सब देख सकते हो। ओके, कमिंग टू द स्टार्ट ऑफ माई प्रिपरेशन जर्नी, तो सबसे पहले मेरे को कुछ नहीं पता था कैट के बारे में, तो ऑफकोर्स मैंने कुछ फ्रेंड्स से फ्रेंड्स से कंसल्ट लिया। उन लोगों ने मुझे बताया जो ऑलरेडी कैट के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट कर चुके थे, एंड आफ्टर दैट जो मुझे मैंने जो कोचिंग ज्वाइन किया था उसका कुछ मटेरियल मुझे मिला था। तो मैं जून में प्रिपरेशन मैंने मेन स्टार्ट किया था, उससे पहले मैंने नहीं पढ़ा था बिकॉज आई वॉज रियली कन्फ्यूज विद माई लाइफ कि मुझे क्या करना है। तो जून 2022 में मैंने प्रिपरेशन अपना स्टार्ट किया, तो मैंने कोचिंग का मटेरियल से पढ़ना स्टार्ट किया। अदर देन दैट आई न्यू कि लोग अरुण शर्मा से पढ़ते हैं, अरुण शर्मा की जो बुक है उससे पढ़ते हैं, तो मैंने ओल्ड लाइक PDFs मांगे टेलीग्राम पे, बहुत सारे चैनल होते हैं जो आपको PDFs दे देते हैं, तो मैंने ओल्ड उस बुक के ओल्ड एडिशंस के PDFs मांगे, उससे मैंने प्रैक्टिस किया। जो भी मुझे डाउट होता था मैं यूट्यूब से सॉल्व करती थी उस चैप्टर को, एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये तो लाइक यूजुअली क्वांट्स के लिए चैप्टर वाइज हमें सॉल्व करना रहता है, अपार्ट फ्रॉम दैट VARC और DILR के लिए। LRDI के लिए तो आई वॉजेंट वेरी गुड एट LRDI, आई वॉजेंट वेरी गुड एट सॉल्विंग द होल सेट्स ऑफ DI and LR, तो मैंने उसके लिए एट फर्स्ट मैं बुक से प्रैक्टिस करने का कोशिश करती थी बट नहीं हो पाता था, तो मैंने उसके लिए यूट्यूब पे चैनल रेफ़र किया एप्टीट्यूड जैब। तो वो एप्टीट्यूड जैब में डेली एक सेट अपलोड होता है LRDI का, अच्छे सेट्स रहते हैं, तो मैं उससे प्रैक्टिस करना स्टार्ट की। बट ये टूवर्ड्स दी एंड मुझे पता चला था, लाइक अराउंड आई थिंक अगस्त या सितंबर व्हेन आई वाज गिविंग मॉक्स, तब मुझे इस बारे में पता चला था। तो मैं बहुत लेट से LRDI का प्रिपरेशन स्टार्ट की थी इन अ फुल पेस। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का मैं स्टार्टिंग से कर रही थी सारे चैप्टर्स, मैथ्स मुझे काफ़ी पसंद था स्कूल टाइम से ही, तो मुझे उसके लिए कुछ ज़्यादा एफर्ट नहीं मारना पड़ता था। ऑफकोर्स ये बात है कैट के लेवल का मैथ स्कूल के लेवल के मैथ से बहुत अलग होता है, तो मुझसे क्वेश्चंस यूजुअली नहीं बन पाते थे, बट फिर भी मुझे अपने आप को ज़्यादा पुश नहीं करना पड़ता था मैथ्स को पढ़ने के लिए, तो मैं पढ़ लेती थी किसी ना किसी तरह। एंड ऑफकोर्स VARC के लिए मेरा VARC उतना कुछ अच्छा नहीं था, मेरा इंग्लिश ठीक ठाक है बट ड्यूरिंग द मॉक्स एंड सेक्शनल मैं VARC में अच्छा स्कोर नहीं कर पाती थी बिकॉज मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं है, एज आई हैव नेवर बीन अ रीडर, मैं कभी नॉवेल्स बुक्स या आर्टिकल्स ऐसा नहीं पढ़ती हूँ, तो इसलिए मेरा कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स उतना अच्छा नहीं है।
वीआरसी में मुझे काफ़ी प्रॉब्लम्स फेस करने पड़े, तो उसको उस पर वर्क करने के लिए मैं एओन एसेस पढ़ती थी डेली, एक एओन एसे पढ़ती थी एंड आई ट्राइड टू कॉम्प्रीहेंड दैट एसे, सिंस एओन एसेस बहुत बड़े होते हैं, तो मैं ट्राई करती थी कि मैं उसको पढ़ने के बाद उसको अपने माइंड में कॉम्प्रीहेंड करूँ कि उस एसे का क्या मतलब था, उसमें क्या लाइक किस किस बातों किन किन बातों को बताने की कोशिश की गई है। तो उस टाइप से मेरा वीआरसी का प्रैक्टिस होता था, मैं डेली आरसीज प्रैक्टिस करती थी, 2 से 3 आरसी मैं डेली प्रैक्टिस करती थी, 2 से 3 पैरा जंबल्स, 2 से 3 पैरा समरीज। तो बेसिकली इन माई डेली रूटीन ऑल ऑफ द 3 सब्जेक्ट्स LRDI, क्वान्टिटेटिव एप्टीट्यूड एंड वीआरसी वर इंक्लूडेड। तो हर दिन मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स के लिए टाइम निकालती थी। मेरे कॉलेज में अटेंडेंस का उतना प्रॉब्लम था नहीं, तो मैं मोस्टली घर पे रहती थी एंड मैं इन तीनों सब्जेक्ट्स को पढ़ती थी। तो अगर ऑन एन एवरेज सारा टाइम वेस्ट साइड हटा के देखा जाए तो उस वक्त मैं 5 to 6 hours डेली पढ़ती थी। बट प्रॉब्लम ये हुई मेरी उस प्रिपरेशन में कि फर्स्ट ऑफ ऑल क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में मैं मोस्टली मैथ्स ही सॉल्व करती रहती थी, तो मेरा VARC और DILR थोड़ा पीछे रह गया। इस चलते DILR के लिए मैंने आपको बताया कि मैंने मुझे बहुत लेट से पता चला उस चैनल के बारे में, तो मेरे प्रैक्टिस ज़्यादा नहीं हो पाई LRDI के लिए, मैं ज़्यादा टाइम नहीं डिवोट कर पाई LRDI को एंड मेरे से सेट्स नहीं सॉल्व होते थे, तो एक टाइम के बाद मैं बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती थी और उस सेट को छोड़ देती थी, जो कि नहीं करना है। आई वोंट रिकमेंड लीविंग अ सेट, आई विल से कि आप उस सेट को तब तक बनाओ जब तक आपसे नहीं बनता, या अगर आप किसी का सोल्यूशन देख भी रहे हो तो फिर से आप उसको बनाओ ताकि आपसे खुद से बनाए, आपका आपका माइंड खुद से उस सेट को सॉल्व करने के लिए वर्क करे। तो LRDI के लिए ये प्रॉब्लम हुई मेरे साथ। एंड फॉर VARC सेक्शन, एज आई टोल्ड यू, आई वॉज ऑलरेडी ऑलरेडी वीक विद द कॉम्प्रीहेंशन पार्ट, आई थिंक आई नीडेड मोर प्रैक्टिस इन दैट, तो मैंने उतने अच्छे से प्रैक्टिस नहीं किया, तो इस वजह से कैट के समय मेरा माइंड उतना अच्छे से फ्रेशली वर्क नहीं कर पाया। ऑफकोर्स एग्जाम इन्वायरमेंट में आप और ज़्यादा प्रेशर पे होते हो, और ज़्यादा आपका दिमाग थोड़ा सा लैग कर रहा होता है ये सब बेसिक चीज़ों में, तो VARC में आई वॉजंट एबल टू डू वेल। एंड सिंस मेरा ये परफॉर्मेंस जो इफेक्ट हुआ VARC और DILR में, तो ये परफॉर्मेंस मेरे ऑब्वियसली मैथ्स का परफॉर्मेंस को भी इफेक्ट कर दिया क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड का, बिकॉज आई वॉज कैरिंग अ हैंग ओवर विद मी टिल दैट सेक्शन, और मुझे बस लगा था कि बस हो गया, ये एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया मेरा। तो फिर भी आई गेव माई एग्ज़ाम एंड आई वॉज स्टिल एक्सपेक्टिंग कि कुछ तो अच्छा आ सकता है, कुछ अच्छा हो सकता है। एंड टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, 6 months के प्रिपरेशन के साथ एंड इतनी विगरेस प्रिपरेशन, रिगरेस स्टडिंग 5 to 6 hours डेली, मेरे में और हिम्मत नहीं थी, मेरे को एकदम नहीं, मेरा प्लान ही नहीं था कैट 2023 देने का, मेरे को था मेरे को जो मिलेगा मैं ले लूँगी। एक होता है ना वो हिम्मत हार जाता है इंसान की, बस और नहीं पढ़ना, मेरे मेरा हो गया। एंड मेरे को लाइक पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं था कभी भी पहले से, मेरे को उतनी मेहनत नहीं करने की मन करती थी, जो कि मेरा एक लाइक माइनस पॉइंट था मैं कह सकती हूँ, विच आई वर्कड ऑन। तो अभी अगर आप मेरे को भूलोगे कि ऑफकोर्स ये करना है ये काम, इसमें इतना मेहनत लगेगा, आई विल बी एबल टू डू इट, बिकॉज मैंने उस चीज़ पे बहुत वर्क किया इस 1 साल में। तो ये थी मेरी कैट 2022 की जर्नी। हुआ क्या कि मैं पूरा डिटर्मिंड थी कि मुझे जो कॉलेज मिलेगा मैं ले लूँगी, मेरे को नहीं है, मेरे को IIM वगैरह नहीं जाना, जो होगा मैं, जबकि ड्यूरिंग माई प्रिपरेशन जर्नी आई वॉज सो डिटर्मिंड कि मेरे को IIM चाहिए, मेरे को IIM कोहिकोड चाहिए, माई ड्रीम वॉज IIM कोहिकोड। तो मैं एक IIM कोहिकोड का पिक्चर भी मैंने प्रिंट करवाया था और मैंने अपने वॉल पे चिपका दिया था जिसके सामने मैं बैठ के पढ़ती थी, एंड हर दिन मैं उसको देख कर, मैंने वो बहुत सारे वीडियोज़ देखे हैं कि आप अगर कुछ मैनिफेस्ट करो तो वो सही में हो जाता है, तो मैं हर दिन उस पिक्चर को देखकर सोचती थी कि मैं एक दिन इस कैंपस के अंदर जाऊंगी, मैं यहाँ पे पढ़ूंगी। तो वो एक अलग काइंड ऑफ फीलिंग थी। आई वॉज हार्ट ब्रोकन आफ्टर माई रिजल्ट, तो मैंने इतना रियलाइज़ नहीं किया कि मैं किस चीज़ को पीछे छोड़ रही हूँ, और ना मैंने इतना रियलाइज़ किया कि मैं बहुत कम एफर्ट देकर ऐसा सोच रही हूँ कि मुझसे नहीं हो पाएगा या मैं और एफर्ट नहीं दे सकती, जबकि बहुत ईजिली मैं और एफर्ट दे सकती थी। दैट वॉज ओनली 6 months ऑफ माई हार्डवर्क, आई कुड हैव गिवन मोर, उस समय मैं ऐसा सोच सकती थी, बट मैंने ऐसा नहीं सोचा। तो मैंने सोचा मैं जो मिलेगा ले लूँगी, तो मैंने कुछ प्राइवेट कॉलेजेस के फॉर्म भरे थे। ऑफकोर्स मुझे कोई IIM की कॉल तो नहीं आई एक्सेप्ट फॉर IIM संबलपुर, जो कि SAP के थ्रू आती है, उसमें फीमेल्स की कट ऑफ लो जाती है, तो मुझे IIM संबलपुर का कॉल था। अपार्ट फ्रॉम दैट प्राइवेट में मेरे को ग्रेट लेक्स का कॉल था, ग्रेट लेक्स चेन्नई एंड गुड़गांव का, गुड़गांव कैंपस, IIMT हैदराबाद एंड नागपुर कैंपस, एंड IIMI दिल्ली। सो अमंग दीज माई बेस्ट कॉल वॉज IIMI दिल्ली।
सो आई वॉज लाइक येस आई नीड टू कन्वर्ट दिस एंड आई वॉज प्रिपेयरिंग फॉर माई इंटरव्यू. अगेन आई प्रिपेयर आई वॉज गोइंग फॉर सेल्फ प्रिपेरेशन इन दैट टाइम ऑल्सो एंड आई वॉज काइंड ऑफ ओवर कॉन्फिडेंट अबाउट माई सेल्फ. आई वुड से दैट आई वुड बी एबल टू क्रैक द इंटरव्यूज बिकॉज आई हैव बीन अ पब्लिक स्पीकर एंड लाइक आई हैव बीन कॉन्फिडेंट इन टॉकिंग पब्लिकली ऑल माई लाइफ. सो आई थॉट वॉट इज दिस इंटरव्यू ऑल अबाउट, दिस इज जस्ट अबाउट स्पीकिंग एंड कॉन्फिडेंस, बट दैट्स नॉट वट इट इज़ ऑल अबाउट. वी नीड टू स्टडी अ लिटिल टू. सो इन माई इंटरव्यूज आई वॉज लाइक वेट लिस्टेड फॉर आई एम संबलपुर एंड आई कन्वर्टेड आई एम आई डेली. नो आई डिड नॉट कन्वर्ट आई एम आई डेली, आई एम सॉरी, आई वॉज वेट लिस्टेड फॉर आई एम आई डेली एज वेल. आई कन्वर्टेड आई एम टी हैदराबाद एंड नागपुर कैंपस एंड आई कन्वर्टेड ग्रेट लेक्स गुड़गांव, नॉट ही चेन्नई कैंपस, बिकॉज वी ऑल नो चेन्नई कैंपस का कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाता है. तो उस वजह से मेरा 84 परसेंटाइल था 2022 में, तो उस वजह से आई कुडंट लाइक क्वालिफाई फॉर द चेन्नई कैंपस. तो गुड़गांव कैंपस में मेरा एडमिशन, सबसे पहले मेरे को ऑफर लेटर आया गुड़गांव कैंपस का एंड सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू पीपल दैट आई वॉज लाइक कि मुझे जो मिल जाए मैं ले लूँगी, मुझे और नहीं पढ़ना, मुझे फिर से कैट का प्रिपरेशन नहीं करना, तो मैंने ले लिया. I took the offer for Great Lakes Gurgaon. I took an education loan. I signed up for the process and I paid the loan amount as fees to Great Lakes Gurgaon. And I was like, chalo, theek hai, June mein session start ho raha hai. We'll go to this and we'll do an MBA. I'll try to be the best in the batch. I'll try to pick up a good placement. And so that was in my mind at that moment. But life had written something else for me.